एवरीवन, तो इंटर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो अहम चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका नाम है कि अल्कोहल, उसके बाद फिनोल्स, उसके बाद इसके साथ इथर कंपाउंड्स। तो इनको काफी डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिये, जो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इसका एक सिंपल डेफिनेशन होता है कि जो अल्कोहल कहें या फिनोल कहें या इथर कहें, कि ये हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द वाटर, आप इसको नाम दे सकते हैं डेरिवेशन ऑफ वाटर। डेरिवेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब हुआ कि जिसके अंदर आप वाटर से तीनों कंपाउंड्स, देखिए क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन से, इसके पास क्या होते हैं, दो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करवाएं, इसके साथ एक आर ग्रुप कनेक्ट करें, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप इस हाइड्रोजन को भी यहां से निकालें, उसके साथ भी एक आर ग्रुप कनेक्ट करें, तो ये बन जाएगा ईथर। ईथर का क्या होता है कि आर ओ आर ग्रुप क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अगर आप इस आर के साथ यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, एक एरोमेटिक लगा दें और इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक फिनोल कंपाउंड हो जाएगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ द वाटर, जिसको आप अल्कोहल, फिनोल्स या ईथर कंपाउंड, ये तीनों के तीनों एक क्या हो जाएगी, कलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि पहला कंपाउंड से अल्कोहल, अल्कोहल हम किसको कहते हैं कि अगर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखें कि अल्कोहल कंपाउंड क्या कहलाता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विच कंटेन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर विच कंटेन हाइड्रोऑक्सी ग्रुप, हाइड्रोऑक्सी ग्रुप किसके साथ हाइड्रोऑक्सी ग्रुप कनेक्टेड होगा, विथ अल्काइल रेडिकल के साथ, विथ अल्काइल रेडिकल के साथ आप उसको नाम देंगे किसका, एज अल्कोहल का। काफी ज्यादा नॉलेजेबल चैप्टर होता है, क्योंकि अल्कोहल के देखेंगे कितने ज्यादा रीजंस यूजेस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, सैनिटाइजर्स, मेडिसिन, एंटीफ्रीज में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, काफी ज्यादा डाइस में यूज होता है। तो अल्कोहल के पूरी लाइफ भरी पड़ी है किसमें, यूजेस में, कि आप जैसे इनके कंपाउंड्स प्रिपेयर करेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी अल्कोहल को जब हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो ये क्या होता है कि तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड हो जाता है। एक कहलाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा होता है डायहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, डायहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। थर्ड जो होता है, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का हम इसको क्या कहते हैं कि नाम देते हैं। तो ये क्या होती है, तीन कैटेगरीज की होती है। क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हम किसको कहते हैं, एक ऐसा अल्कोहल जिस अल्कोहल के अंदर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन, व्हिच कंटेन ओनली वन, ओनली वन हाइड्रोऑक्सी ग्रुप, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर ओनली वन हाइड्रोऑक्सी ग्रुप कनेक्टेड होगा, आप उसको नाम देंगे किसका, एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। जैसे कि ये चेन बनी हुई है कि CH3 और इसके साथ CH2, इसके साथ हमने एक OH ग्रुप कनेक्टेड कर दिया। तो एक ऐसी चेन, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जस्ट वन हाइड्रोऑक्सी ग्रुप कनेक्टेड होगा, आप उसको नाम देंगे किसका, एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं, ये फर्दर डिवाइड होते हैं तीन कैटेगरीज में। कौन कौन सी, एक कहलाता है, चार कैटेगरीज सॉरी आप कह सकते हैं, एक कहलाता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल कहलाता है, मिथाइल अल्कोहल। दूसरा कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। थर्ड कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। उसके बाद होता है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये चार कैटेगरीज होती हैं किसकी, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। अब मिथाइल अल्कोहल किसको नाम देते हैं, मिथाइल अल्कोहल होता है CH3 और उसके साथ OH कनेक्टेड हो। काफी ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है कि अल्कोहल गैस एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेबोरेटरी में काफी ज्यादा इसके यूजेस होते हैं, जिसको वुड स्पिरिचुअल का आप नाम देते हैं। वुड स्पिरिचुअल कौन सा, जो एक लकड़ी से बनता है, आप इसको वैसे तो बना सकते हैं लेकिन इंडस्ट्री में बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बन जाता है कि लकड़ी को जब हम इन द एब्सेंस ऑफ हीट करते हैं, तो उसके बाद उसमें से तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक आपको मिलेगा चारकोल, एक आपको मिलेगा लिक्विड, से एक आपको मिलेगा गैस। उस लिक्विड में से तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास एसीटोन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कनेक्टेड होता है। तो ये वो मिथाइल अल्कोहल है जो लेबोरेटरी में हम पढ़ा होता है। लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहां पे सॉल्वेंट तौर पे इसको यूज करते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल कहलाता है।
प्राइमरी अल्कोहल किसको कहते हैं कि जब हमारे पास एक ऐसा आर ग्रुप कार्बन के साथ OH और इसके साथ एक आर ग्रुप कनेक्टेड हो बाकी दो हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, तो आप उसको नाम देंगे किसका एज प्राइमरी अल्कोहल का, क्योंकि इस अल्फा कार्बन के साथ जस्ट वन कर क्या है कि आर ग्रुप कनेक्टेड है, ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर मतलब कि कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ दो आर ग्रुप कनेक्टेड होंगे, तो आप इसको नाम देंगे किसका एज सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देंगे, जो हमारे पास क्या कहलाता है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है। टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होता है कि जिसके अंदर ये कार्बन के साथ यहाँ पे OH ग्रुप कनेक्टेड हो, जिसके साथ चार क्या होगी तीन आर ग्रुप कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे भी आर ग्रुप कनेक्टेड होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आर ग्रुप कनेक्टेड होगा, तो आप इसको नाम देते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ये हो जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम देते हैं इसको, और इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हम इसका क्या कहते हैं नाम देते हैं। तो ये क्या है कि तीन टाइप चार टाइप के क्या होते हैं मिथाइल अल्कोहल, ये क्या कहलाता है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ये होता है इथाइल, इथाइल अल्कोहल को नाम देते हैं, जो इथाइल अल्कोहल जो हम शराब यूज करते हैं ना वो शराब क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल होता है, बाकी जो भी अल्कोहल्स होंगे वो शराब नहीं हो सकते, उनके डिफरेंट क्या होते हैं कि यूजेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल किसको कहते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन, व्हिच कंटेन क्या कि उनके साथ टू हाइड्रो ऑक्सी, टू हाइड्रो ऑक्सी कनेक्टेड विथ, कनेक्टेड विथ रेडिकल के साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ, आप उसको नाम देंगे किसका एज डायहाइड्रिक अल्कोहल का नाम देंगे। किस तरीके से कि जैसे कि एक हमारे पास CH2 है और उसके साथ ये CH2 है और एक OH यहाँ पे लगा दिया, एक OH यहाँ पे लगा दिया, जो ग्लाइसोल कहलाता है, यहाँ जिसको इथाइलिन ग्लाइसिन नाम देते हैं, इथाइल ग्लाइसिन, इसका दूसरा नाम होता है कि एक इथाइलिन ग्लाइसोल, क्लियर। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इसका क्या होता है कि नाम होता है, जैसे ये इथाइल ग्लाइकोल हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो एक एंटी फ्रीज के लिए यूज होता है कि किसी भी लिक्विड्स को फ्रीज होने से बचाने के लिए, जो आप कंपाउंड्स यूज करते हैं जैसे पेट्रोल होता है या जैसे और लिक्विड्स होते हैं उनको फ्रीज होने से बचाना है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं ये इथाइलिन ग्लाइकोल आप क्या करते हैं यूज करते हैं। पेट्रोल पंप पे आप अक्सर दौर देखेंगे कि पेट्रोल पंप्स में टेम्परेचर 1 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन वो पेट्रोल क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करते हैं यूज करते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉली का मतलब मेनी, यहाँ पे क्या है कि पॉली का मतलब मेनी, हाइड्रिक मतलब उसके साथ अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, तो आप कह सकते हैं कैसा ऑर्गेनिक ग्रुप, एक ऐसा ऑर्गेनिक चेन जिसके अंदर क्या होंगे कि दो से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, मतलब ये कार्बन, ये कार्बन, एक OH यहाँ पे लगा दिया, एक OH यहाँ पे लगा दिया, एक OH यहाँ पे लगा दिया, तो एक ऐसा ऑर्गेनिक चेन जिसके अंदर वन से नहीं टू से ज्यादा क्या होंगे कि अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, आप उसको नाम देंगे किसका एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। इसका एक और नाम होता है कि हमारे पास कौन सा कि वन ये टू ये थ्री, तो 1 2 3 ट्राई प्रोपेनोल हो जाएगा, या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल हो जाएगा, या इसको नाम होता है कि ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल का नाम देते हैं, जो हमारे पास यूज होता है किसमें हमारे पास कॉस्मेटिक्स में, मतलब के जो यूज होता है किसमें स्किन क्रीम के लिए, जो आप यूज करते हैं स्किन क्रीम्स जो होते हैं वो सोप्स वगैरह जो बने होते हैं वो आप इस चीज से बनाते हैं कि जो ग्लाइसिरोल से बनाते हैं, या जो हमारे पास 1 2 3 ट्राई ओल्स कहलाता है, प्रोपेन ट्राई ओल्स कहलाता है। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं अल्कोहल की पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये कंपाउंड्स पाया जाता है। उसके बाद आते हैं किसकी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो पहला हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है किसका अल्कोहल का। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें कि इसके साथ OH के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है कि आर ग्रुप कनेक्टेड है अल्कोहल है, तो जैसे आपने देखा है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है तो ये स्ट्रक्चर आपको सेम सेम सा लग रहा है, यहाँ पे दो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिपल्शन होती है, तो इस वजह से तो इसका जो शेप बनेगा किसका इस अल्कोहल का आर ग्रुप के साथ कनेक्टेड जो होता है, तो ये एक हमारे पास ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स बाकी ये दो होते हैं, तो इस वजह से इसका शेप कौन सा बनता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल शेप इसका बनता है, टेट्राहेड्रल। और एंगल कितनी होती है 108.9 डिग्री की होती है, वाटर की आपने देखी है 104.5 होती है, लेकिन इसकी कुछ थोड़ी सी ज्यादा होती है, रीजन क्या होता है कि कम रिपल्शन होते हैं क्योंकि आर ग्रुप कनेक्टेड है, बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है, स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं होती, तो इसकी जो हमारे पास एंगल होती है ये, और टेट्राहेड्रल क्या होता है कि शेप होता है, जो वाटर का शेप वही इसका क्या होता है कि शेप होता है।
उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि जिसके अंदर आप ये चीज देखेंगे कि इसका कलर कौन सा होता है, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो C1 से लेकर C4 तक ये एक लिक्विड फॉर्म में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। हमने देखा था कि जो C1 से लेकर C4 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, एक गैसेस स्टेट में। लेकिन अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो C1 से लेकर C4 तक क्या करता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। C4 से आगे जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करता है कि एक हमारे पास सॉलिड स्टेट्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब C4 से आगे जितने भी कार्बन होंगे वो क्या करते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है कि अल्कोहल के पास इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि OH बॉन्डिंग से वाटर के साथ बॉन्ड एक दूसरे के साथ OH बॉन्ड्स बनाते हैं। OH बॉन्ड्स की वजह से काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने की वजह से क्या होते हैं कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्युलर फोर्स बढ़ जाता है, जो फोर्स इनको क्या करता है बिल्कुल कंबाइन करता है। तो क्लोज होने की वजह से ये आपको ज्यादातर लिक्विड्स और जो सॉलिड फॉर्म में ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद अगर हम देखा जाए कि जो इन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखें, तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से जो अल्कोहल कंपाउंड्स कहलाता है कि अल्कोहल जो होता है वो सारे के सारे ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सॉल्युबल इन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे कि वाटर के हिसाब से देखें तो जो वाटर में क्या होता है कि ये पार्शली सॉल्युबल होता है। पार्शली क्या होता है कि सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर के अंदर। क्यों ऐसा है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है, पार्शली सॉल्युबल है, लेकिन आप वाटर के अंदर पार्शली सॉल्युबल होता है, लेकिन कौन सा पार्शली सॉल्युबल या स्प्रिंगली क्या होता है कि ये सॉल्युबल होता है। अब थोड़ा सा क्या होता है कि वाटर में मिक्स हो जाता है, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है और ये क्या है कि ROH, मतलब कि ये बना हुआ है R और ये OH, तो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। तो वाटर के साथ OH बॉन्डिंग्स की फॉर्मेशन करता है कौन, अल्कोहल। इस वजह से क्योंकि थोड़ी सी पोलर नेचर शो कर रहा है ये, जहाँ पे OH बॉन्ड्स जो बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करके ये वाटर में क्या होता है कि सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कंपेयर करें तो एक बना हुआ है आर के साथ ये OH, एक बना हुआ है कार्बन के साथ ये आर, और यहाँ पे आर इसके साथ OH बना हुआ है, एक बना हुआ है आर और ये कार्बन के साथ तीन आर ग्रुप में, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो कहलाता है। इनमें से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा जो प्राइमरी अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, मिथाइल अल्कोहल जो होता है, वो ज्यादा सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। रीजन क्योंकि ये आर ग्रुप जितने ज्यादा मतलब बढ़ जाएंगे ना, उतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो करेक्टर्स होंगे वो ज्यादा शो होंगे। मतलब नॉन पोलर करेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नॉन पोलर करेक्टर्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी पोलरिटी कम हो जाएगी, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद अगर दूसरा फैक्टर्स देखें कि हमारे पास कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट्स वाला फैक्टर्स। अब मेल्टिंग पॉइंट्स का फैक्टर्स क्या होता है कि जो एसिडिटी करेक्टर्स भी रहता है, मेल्टिंग पॉइंट्स का करेक्टर्स भी रहता है कि अब मेल्टिंग पॉइंट्स के देखा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट एंड जो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से। तो जो अल्कोहल कंपाउंड्स होता है, मतलब एक लिक्विड्स होगा, एक गैस सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो अल्कोहल कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होती है कि हाईएस्ट होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होती है कि हाई होती है। किससे हाई होती है, हायर देन द ये अल्केन से भी ज्यादा होती है इनकी, इनकी अल्किन से भी क्या होती है कि ज्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी अल्काइन से भी क्या होती है कि ज्यादा होती है। रीजन हमारे पास क्या है कि ड्यू टू द OH बॉन्डिंग की वजह से, इनके पास R के पास OH बॉन्डिंग होती है, उस R OH इस OH नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है डाइपोल फोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो जाती है जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से ज्यादा क्लोज करती है। जब ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होती है। किससे, जो हमारे पास अल्केन अल्कीन और अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं, इन सब से जो अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है या मेल्टिंग जो पॉइंट्स होती है वो क्या होती है कि ज्यादा होती है। ड्यू टू आप रीजन बताएंगे किसकी वजह से, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इनके पास इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इनके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होती है वो क्या होती है कि ज्यादा होती है। उसके बाद अगर इसका एसिडिटी करेक्टर्स देखें, किसका, अल्कोहल का, कि एसिडिटी करेक्टर्स क्या होता है। अब देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एसिड में भी, बेस में भी, साल्ट में भी, लेकिन वीक एसिड, वीक बेस, वीक साल्ट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी स्ट्रांग नहीं होता, ना तो स्ट्रांग साल्ट बनाते हैं, ना तो स्ट्रांग एसिड बनाते हैं, ना तो स्ट्रांग बेस बनाते हैं। इनके पास इसी कोई भी मतलब के प्रॉपर्टीज नहीं है जो को ये हमारे पास स्ट्रांग की फॉर्मेशन करें। तो इनके पास क्या होता है कि एसिडिटी करेक्टर्स तो ROH बॉन्ड से, ROH बॉन्ड से तो ये बॉन्ड्स बना हुआ है। तो इस वजह से अल्कोहल एक वीक क्या होता है कि एसिड कंपाउंड्स होता है, वीक क्या होता है कि
एसिड कंपाउंड्स होता है। वीक एसिड कंपाउंड्स क्यों है, ऐसा क्या रीजन है जो एक एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? रीजन ये होता है कि यहाँ पे CH3 और उसके साथ ये हाइड्रोजन का बांड बना हुआ है, तो कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, लेकिन हाइड्रोजन इसकी होती है 3.6 और इसकी क्या है 2.2 है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जब आप इसको रिएक्शन करेंगे वाटर में या किसी और कंपाउंड्स में, तो ये अपना एक H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब इसमें से एक H+ आयन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। जब ये H+ आयन रिलीज करेगा तो जो एसिड कंपाउंड्स वो कहलाते हैं, जो रिलीज करते हैं किसको, एक H+ आयन को, तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। जो कंपाउंड्स डोनेट करते हैं किसको, प्रोटॉन को, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। जो कंपाउंड्स एक्सेप्ट करते हैं किसको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, उस कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं किसका, एसिड का। ये दो कैटेगरीज तो शो कर रहा है कि H+ आयंस भी रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन्स को भी डोनेट कर रहा है, मतलब H+ आयंस दे रहा है। इस वजह से ये कंपाउंड्स क्या कहलाता है, एक एसिडिक कंपाउंड्स कहलाता है, लेकिन वीक एसिड कंपाउंड्स होता है। याद रखना कि अल्कोहल स्ट्रांग एसिड नहीं होता, अल्कोहल एक वीक एसिड होता है, किसकी वजह से, H+ आयंस रिलीज की वजह से। बच्चे कहते हैं कि इसके साथ OH बांड्स लगा हुआ है तो ये OH बांड्स रिलीज करेगा तो बेस है, लेकिन नहीं बाबा, OH बांड्स नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट सेम होती है। जब ऑलमोस्ट सेम है तो यहाँ से H+ आयंस रिलीज करेगा, OH आयंस रिलीज ही नहीं कर सकता। इसमें कोई जवाब ही नहीं बन रहा, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा कि यहाँ से ये रिलीज करे, तो इस वजह से एक वीक एसिड कंपाउंड्स होता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके कंपाउंड्स के हमारे पास इंट्रोडक्शन सबने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल की फ्रॉम द एडिशन ऑफ वाटर के साथ, या जो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन से उनके हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।